सौ बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली। गुड्डी का प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज में अव्वल आया है। बधाइयां बधाइयां। गुड्डी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने पर सबसे ज्यादा खुशी तो सीम्स को हुई है। हाँ? और इसी खुशी में वो हम सबको पार्टी देना चाहती है। वड्डिता है जी, क्या हम अपनी पार्टी में अपने कॉलेज के एक दो लड़कों को भी इनवाइट कर ले? हरगिज नहीं। अपनी पार्टी में सिर्फ लड़कियों को बुलाना? कोई जरूरत नहीं है लड़कों को बुलाने की। अगर पार्टी में लड़के आ जाते हैं तो आप उनके इतना खिलाफ क्यों हैं? अब देखिए आगे। लो जी आपका मोबाइल, वरना आपने फिर से भूल जाना है। अरे गुल्लू में क्या आ गया? नहीं आते ही होंगे, मैंने कह तो दिया है। पर क्या आपको लगता है कि लड़कियों की पार्टी में लड़कों का होना ठीक रहना है? ठीक तो नहीं लगता, पर अब वीर जी को तो तुम जानती हो ना, उनकी कोई बात ना मानो तो बुरा मान जाते। हाँ जी, पूजा ने भी ना उनके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने गुल्लू और मिक्की को समझा देना है, वो पूरी पार्टी में गुड्डी के साथ रहेंगे, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है, है ना? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पुत्र। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पुत्र। चाचू। हाँ। आपने बुलाया हमें? हाँ, अरे तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गुड्डी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है, तो तुम दोनों ने ना सिर्फ पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है बल्कि पूरी पार्टी में गुड्डी के साथ भी रहना है। चाचू इसमें दो बंदों की क्या जरूरत है, ये काम तो अकेला गुल्लू भी कर लेगा ना, और अगर इसको जरूरत लगी तो हरिवीर को साथ ले जाएगा ना। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अरे बहन की देखभाल की छोटी सी जिम्मेदारी दी है, लगा है ना नुकुर करने। यार पूजा एक दो लड़कों को पार्टी में बुलाना चाहती है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम दोनों भी साथ चले जाओ। चाचू आप टेंशन मत लो, ये काम मैंने अकेले ही संभाल लेना है। चल ठीक है, और हाँ सिर्फ गुड्डी का ही नहीं पूजा का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है, वो थोड़ी बेवकूफ किस्म की है। ठीक है चाचा। चल पुत्र। अच्छा सुनो, मैं तो बच गया पूजा नाम की भला से। सब क्या ड्रामा लगाया तूने नीचे? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पूजा ने गड़बड़ करी है। उसने ना पापा के सामने वड्डिता है जी से पार्टी की बात कर दी, मैं क्या करती? यार, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि सुखे चाचू इतनी जल्दी पार्टी के लिए मान कैसे गए, और तो और लड़कों तक को आने की परमिशन दे दी। कुल्लू अब अगर पापा मान ही गए हैं तो तू भी मान जाना, प्लीज प्लीज मान जा गुल्लू। देख गुड्डी ये सब ना ठीक नहीं हो रहा, और वैसे भी मैंने उस पार्टी में क्या करना है जहां पर उस लड़के ने होना। उस लड़के का नाम सूर्या है। उस लड़के का नाम कोई भी हो कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है तो फिर मैं भी पार्टी कैंसिल कर दूंगी, नहीं जाना मैंने भी पार्टी में। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लड़कियों ने ना इस बात को और उलझा देना। अरे मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पूजा का करा धरा है। मैं और सीम चुपचाप खड़े थे, वो ये बड़बड़ बड़बड़ करी जा रही थी, तो मैं क्या करती। ठीक है मैं आऊंगा तेरी पार्टी में, लेकिन उस लड़के को बोलना मेरे से ना दो कदम दूर रह के ही बात करे। ऐसे होता है? ऐसे होता है क्या कभी? मुझे मंजूर नहीं है ये दो कदम दूर रह के बात करे। छोड़ पार्टी कैंसिल ही करो, नहीं जाना मैंने ना मैं कभी आज के बाद पार्टी की बात करूंगी तेरे आगे। एक बात बता, तेरे को बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं तेरी हर बात मान रहा हूं ना, अपने मन के खिलाफ जाके भी तेरी उस पार्टी में आ रहा हूं ना, आ रहा हूं ना, तो तू मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती। गुल्लू जब तू मेरे लिए इतना कर रहा है तो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकता तू? सूर्या को समझने की कोशिश कर गुल्लू, तू पार्टी में जाएगा, उससे मिलेगा, बातचीत करेगा, तभी तो तेरे को पता चलेगा ना कि वो कैसा इंसान है। प्लीज गुल्लू मेरी बात मान ले मेरी बात, प्लीज प्लीज गुल्लू प्लीज। ये तो चीटिंग है यार। क्या चीटिंग है, मैं तेरी रानी खा थोड़ी ना जाऊंगी, पहले दूसरी गोटी निकाल के दिखा। अबे यार इसने भी तो चले जाना है क्योंकि रानी तो सिर्फ मेरी है। ओह व्हाट अ शॉट, ला इधर दे इधर दे इधर दे इधर दे ला दे। मेरी रानी मेरे को मिल गई। सारी रानियां तूने अपने पास ही रखनी है या अपने छोटे भाई के बारे में भी कुछ सोचना है? शानी चाची इसने आज तक अपने बड़े भाई के बारे में कभी नहीं सोचा, छोटे भाई के बारे में क्या हाक सोचेगा। यार हरी यार तू एक बार इशारा तो करके देख, मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देनी है। ओ नहीं नहीं पुत्र, हरी का ना देसी कुड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अपना मिक्की है। जो मिक्की भाई जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज हमारे लिए, मिक्की किस लड़की में इंटरेस्टेड हो गया? ओ यार हरी, मिक्की का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और हमें पता भी नहीं। शानी चाची मुझे तो लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ और ना पुत्र, कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पर खबरदार जो मेरी मजाक उड़ाई तो। नहीं 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 पता है पुत्र, मेरे को ना ऐसा लगता है कि मिक्की जो है ना वो पूजा को पसंद तो करता है पर बोलने में शर्माता है। पूजा पूजा आप पूजा की बात कर रहे थे? अरे मिक्की पूजा से शर्माता ही नहीं, भिदकता है, चिढ़ने लगता है ऐसे ऐसे। चुप करो तुम लोग ना, बस चुप। जब देखो गधों की तरह से हंसने लगते हो। अब शानी चाची का किसी ने मजाक उड़ाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख ले फिर तू। नहीं 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 ताई जी। हाँ आप ना बिल्कुल बेफिक्र हो, आप तो बस हमें इतना बताओ कि आपको हमसे क्या काम है। मैं पुत्र मैं ये चाहती हूँ कि तुम तीनों ना
कुछ ऐसी तरकीब लगाओ जो मिक्की जो है ना पूजा को प्यार करने लगे। अब रही बात पूजा की, तो पूजा तो मिक्की पे पहले से ही फिदा है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर चाची, हाँ? इसमें हम तीनों का क्या फायदा? तीनों का फायदा? खुद तेरे छोटे भाई का घर बस जाएगा, ये कम पड़ा फायदा है? नहीं चाची, हम इतने भी भोले नहीं है। हाँ। चाची, अगर आपको हमसे अपना काम करवाना है ना, हाँ। तो आपको हमें रोज गाड़ी के एक राउंड के लिए चाबी देनी होगी। गड्डी की चाबी? पागल है? हरगिज नहीं, पागल। सोच लो चाची, एक तरफ है आपकी गड्डी की चाबी और दूसरी तरफ जोगिंदर मल्होत्रा की 10-10 ब्रांड न्यू कार। सोचो 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 ताई जी। पागल है क्या? मेरे को पूजा के पापा की गाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। अच्छा ओके ओके। शानी चाची प्लीज, अब हमें इतना भी बेवकूफ मत समझो। जोगिंदर मल्होत्रा की 10-10 कारें, बैंक बैलेंस और सारा कारोबार किसका है? किसका है? पूजा का। पूजा का? अगर पूजा का है तो शादी के बाद पूजा और मिक्की का हो जाना है। हाँ, और अगर ये सारा बैंक बैलेंस आपके बेटे और भाऊ का हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाना है ना। सोचो सोचो, ये सौदा ना घाटे का नहीं है, फायदे का है। एक बात बोलूं? देखो, पूजा और मिक्की को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों ने ये प्लानिंग की है। ओ तेरी ताई जी, आप बिना क्या बात कर दी। अरे ये खबर मिक्की और पूजा तो क्या दुनिया में किसी को पता नहीं चलने देंगे हमने। आप तो बस ना चाबी की हाँ कर दो बस। चाबी की हाँ, चाबी चाबी की, गड्डी की चाबी। गुड्डी, मैं यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम अब तक? अरे मैं क्या करूँ, क्लास से निकली तो सीम्स मेरे साथ थी, फिर मुझे पूजा मिल गई। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ। दोनों बार बार एक ही सवाल कर रही है, तूने गुल्लू को कैसे कन्विंस किया, उसको कैसे मनाया, दिमाग खा गई। वैसे गुड्डी, ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि गुल्लू को तुमने कैसे कन्विंस कर दिया। कल जब तुमने मुझे फ़ोन किया था मैं बहुत सरप्राइज हुआ। बस मैंने उसे इमोशनली पार्टी में तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया और वो मान गया। तुम्हें पता है गुल्लू अगर मेरी आंखों में आंसू देखता है ना तो बहुत घबरा जाता है। गुड्डी, तुम रोई थी? नहीं नहीं, मैं रोई नहीं थी, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वैसे भी उसको पता है कि अब तो पापा की भी परमिशन मिल गई है तो वो मान गया। देखा गुड्डी, अगर हम सच्चे हैं और हमारे इरादे नेक हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। देख रही हो तुम कैसे हर एक अनहोनी होनी में बदलती जा रही। सूर्या, तुम ना अब गुल्लू से दोस्ती कर लो, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बस वो एक ही बात से समझौता नहीं कर पा रहा,
कि उसकी छोटी बहन भी किसी लड़के से प्यार कर सकती है। गुल्लू के इस डर को मैं समझ सकता हूँ गुड्डी। एक बड़े भाई का अपने छोटी बहन के लिए ये निश्चल प्यार ही तो है। गुल्लू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं अपनी किसी भी बात से उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ गुड्डी, तुम फिक्र मत करो। मैं गुल्लू से ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे उससे बुरा लगे, बल्कि मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और गुल्लू अच्छे दोस्त बन जाएं। एक बार गुल्लू से दोस्ती हो जाए ना, फिर हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। सूर्या, हम अपनी मंजिल तक तो पहुँच जाएंगे ना? बिल्कुल पहुँचेंगे। देखा सिम्स, मैंने तेरे को कहा था ना कि ये दोनों किसी जगह पे एकांत में बैठ के अपनी लव स्टोरी डिस्कस कर रहे हो ना? चल चल चल। गुड्डी, क्या है? आ गई वैम। पूजा, गुड्डी तुमको वैम बोल रही है? क्या? सूर्या, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। गुड्डी, तूने मेरे को वैम कहा? तू अपने आप को हीरोइन समझती है क्या? हाँ समझती हूँ, जा कर ले जो करना है। पूजा, तू किसको फोन कर रही है? मैं ना इसके पिताश्री को फोन कर रही हूँ और मैं उन्हें ये बताने वाली हूँ कि आपकी बेटी गुड्डी सूर्या नाम के लड़के से प्यार करती है। ए, 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 ए। पहले सॉरी बोल पहले। अच्छा अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। देखा सूर्या, ये लड़की ना बिल्कुल पागल है, इससे कभी पंगा मत लेना, कभी भी कुछ भी कर देती है। गुड्डी, वैसे एक बात बता, तू हम दोनों को डायरेक्टली कैंटीन में मिलने वाली थी ना? हाँ। तो डायरेक्टली अपने हीरो के पास कैसे पहुंच गई, और वो भी हम दोनों से छुप छुप कर? नहीं पूजा, मैंने ही गुड्डी को यहाँ पर बुलाया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना था, तुम समझ सकती हो ना? रियली? देखा सिम्स, अब ये दोनों हमसे भी छुप छुप कर मिलने लगे। क्या है हा? वैसे मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि प्यार करने वाले ऐसे छुप छुप कर क्यों मिला करते हैं? तुझे समझ में नहीं आएगा पूजा, तूने कभी प्यार नहीं किया ना। लो सूर्या, सुन लो, कह रही है मैंने प्यार नहीं किया। ओए, देखो गुड्डी ने बता रही, मैं मिक्की से 3rd स्टैंडर्ड से ही प्यार करती हूँ, और वो भी सच्चा प्यार। जब उसको नाक पोछनी भी नहीं आती थी। पर तेरा प्यार एक तरफा है ना, 1-sided love। जब मिक्की को तुझसे प्यार होगा ना, तब तो तेरी समझ में आएगा कि छुप छुप के मिलने में क्या मजा आता है। यार तो करवा दो ना मेरा भी प्यार 2 तरफा। सब अपने अपने बारे में ही सोच रहे, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं करता। पूजा, तू कितनी क्यूट है। हसो हसो और हसो। अरे यार, एक बात तो है, शानी चाची ने अनजाने में ही सही मगर एक बात बिल्कुल सही कही है। कौन सी बात? यही कि मिक्की का यूं बिदकना, यूं चिढ़ना, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये सब प्यार की ही तो निशानियां है यार। ओहो गुल्लू, तेरी अकल ना घास चरने गई है घास। शानी चाची ने कहा और तूने मान लिया? अरे यार, तेरे को तो पता है शानी चाची ना कुछ भी अटकलें लगाती रहती हैं। देख हरी, मेरी बात गौर से सुन, ये बात सारी दुनिया जानती है कि पूजा मिक्की पे जान छिड़कती है, लेकिन ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मिक्की भी कुछ हद तक पूजा को पसंद करता है। ओए ज्ञानी ध्यानी,
अपना ज्ञान ध्यान ना अपने पास ही रखना। जैसे कि मैंने कभी देखा नहीं मिक्की को पूजा के नाम से कैसे करंट लग जाता है। यार हरी तू मेरी बात ही नहीं समझ रहा। अरे यार मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मिक्की की बातों से मुझे हिंट लगा है कि वो पूजा की कुछ आदतों को नापसंद करता है, पूजा को नहीं। अरे यार कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी ट्रू फीलिंग क्या है। ये बात तो मेरे लिए दूरदर्शन समाचार है। यही तो मैं तुझे इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें मिक्की को उसकी ट्रू फीलिंग का एहसास कराना है। देख ये बात सच है कि मैंने ये सारा प्लान शानी चाची को खुश करने के लिए बनाया, लेकिन असलियत में बनाया तो दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए है। ओ स्वामी प्रेमानंद जी आप तो धन्य हैं, आपने तो दुनिया भर के सारे प्रेम करने वालों को मिलाने का ठेका जो ले रखा है। जीता रहे है ना बेटा पुण्य का काम। हाँ अब मेरा प्लान सुन ध्यान से, हमें करना क्या है, पूजा को तेरे को मेरे को और गुड्डी के थ्रू हमें मिक्की को ये झूठ मूठ जतलाना है कि पूजा अब किसी और को प्यार करने लगी है और उसे मिक्की की अब कोई परवाह नहीं है, समझा। मतलब कोई लड़का होगा नहीं, हमें मिक्की को झूठ मूठ का जलाना होगा। एग्जैक्टली और अगर मिक्की जलता है तो मेरा ये शक यकीन में बदल जाएगा कि मिक्की भी पूजा को पसंद करता है। इस तरह पार्टी के लिए रेस्टोरेंट फाइनल करने में मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था, मेरे को डर लग रहा है अगर किसी ने हमें इस रास्ते पर देख लिया तो। गुड्डी हमें इस रास्ते पर कोई नहीं मिलेगा, मैं जानबूझकर तुम्हें लंबे रास्ते से लेकर आया हूँ, अगर सिटी से जाते तो शायद कोई मिल भी जाता। नहीं नहीं सूर्या मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। टेक इट ईजी गुड्डी, देखो अगर तुम नहीं आती तो रेस्टोरेंट फाइनल नहीं होता, रेस्टोरेंट फाइनल नहीं होता तो फिर पार्टी फाइनल नहीं होती। ये बताओ हमारी पहली बाइक राइड पर मजा तो आ रहा है ना। मजा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना। सच बताऊँ या झूठ? झूठ। अरे बाबा सच ही बोलोगे ना, बोलो ना सूर्या। ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पेनी के साथ ज्यादा मजा आता था। सूर्या अच्छा तो क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हें अपनी भूतपूर्व गर्लफ्रेंड की याद आ रही है ना? कमबख्त याद ही तो है जो जाती नहीं, किसी की यादों पर किसी का बस नहीं होता। बाइक रोको, अभी रोको, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, रोक दो बाइक को यहीं पे। सच बताऊं तो आज के पहले मुझे बाइक चलाने में इतना मजा आया ही नहीं। तुम देखना एक दिन तुम्हें टोली में बिठा कर ऐसे ही ले जाऊंगा। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने बंदे साया ने। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया भूल चले। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे चमक, हर पहर शरारत वाली। नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी